for you a presentation here. You can just see it on the screen. I would share this with you. It is a presentation on competency-based education. And here, mitro, mere sabhi साथियों, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है और इसके इसको संदर्भ में देखेंगे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, दैट इज 2020। अब क्या होता आ रहा है जब हम बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग की, तो मैंने और आपने जिस तरीके से क्लासरूम्स में पढ़ा है, हमारे पास ज्यादातर केवल दो रिसोर्स हुआ करते थे, बुक थी और टीचर थे हमारे क्लासरूम में, और हमें एक बड़ा डर लगा रहता था कि अच्छे मार्क्स लाने हैं और हमें पास होना है, और बस अगर 50% नहीं आई तो क्या होगा। पेरेंट्स, टीचर्स, एंटायर सिस्टम वाज अबाउट अचीविंग द मार्क्स। इतने मार्क्स लाने हैं, 75% लाओगे तो डिस्टिंक्शन होगा, 80% है तो बहुत ही अच्छा हमारा बच्चा कर रहा है और उसको शायद बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, और अगर कुछ नहीं, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन उसको 45% दे रहा, 50% है, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने क्या पढ़ा, तुमने कुछ मेहनत नहीं करी। इस तरीके के हमें बातें सुननी पड़ती थी क्लास में भी और हमें अपने परिवार में भी, और एक तरीके से जो हम किताबों में ही ज्ञान टेक्स्ट में ढूंढते थे कि भाई ये जो हमें पढ़ लिया है, हमें रात दिन पढ़ना है, हमें किताबें रट जानी है, ये एक कॉन्सेप्ट था। और हमने देखा कि हमारा पूरा ध्यान जो है वो मार्क्स पर सिमट के रह जाता था कि एक एनुअल एग्जाम होंगे और हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, और हमारा जो उद्देश्य होता था वो केवल अच्छे मार्क्स को लाना होता था, वेदर वी नो समथिंग और नॉट। नाउ मूविंग अहेड ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्लासरूम वेयर कॉग्निटिव डोमेन हैज बीन you know rolling for years and years, not only in India but all across the globe, pure hi vishw mein ek hame cognitive child mil jata tha, aisa student mil jata tha who was very good in text, who knows everything, the definitions, we used to learn the definitions by heart, whether we understand it or not, whether we can implement it in our day to day life or not। aur maine aur aapne us traditional shiksha ki paddhati mein padh kar ये पाया कि ये जो किताबी बातें हैं, हम कहते हैं कि किताबी ज्ञान है, ये हमारी जिंदगी में बहुत नहीं चल पाएगा, हम इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, हम इसको कहाँ लगाएं कि जो है हमें जो किताबी ज्ञान पढ़ लिया लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। एमएससी किसी बच्चे ने किया, फिजिक्स में किया, लेकिन यदि घर में आपका फ्यूज खराब हो गया तो एमएससी फिजिक्स का बच्चा एक फ्यूज को नहीं बन पाएगा, लाइट वापस नहीं ला पाएगा, उसको उसको कुछ स्किल का ज्ञान नहीं है, उसको कुछ। इस तरह से हमारी शिक्षा में कॉग्निटिव जो डोमेन है, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज से संदर्भ में, वो हमेशा हावी रहा है। तो क्या है, जाहिर वहां पर तीनों डोमेन है, कैसे आगे रहे मैं बताऊंगी। हम अब बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की। ये एक सेट है स्किल्स का, जहां पर हम स्किल्स की बात करते हैं, देखिए स्किल्स की बात कर रहे हैं और हम एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जो कि एटीट्यूड से हम जोड़ेंगे बाद में कि किस तरह का एटीट्यूड रहता है हमारा सक्सेसफुल होने के लिए उस स्पेशल स्किल में जो कि हम बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, और उसके संदर्भ में हम क्या नॉलेज बच्चे को प्रदान करते हैं जिससे कि वो अपनी जिंदगी में, असल जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को हल कर पाए, अच्छे से जीवन यापन कर पाए, एक सुखी इंसान बन सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये एक कॉम्पिटेंसी का एक कहना चाहिए व्यू मैं आपको दे रही हूँ कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ये सेट है, ये कॉम्बिनेशन है कॉम्पिटेंसी। एक अलग से हम नॉलेज की नहीं बात कर रहे इसमें, अलग से हम स्किल की नहीं बात कर रहे, एबिलिटी की नहीं बात कर रहे, लेकिन ये तीनों का एक निचोड़ है, तीनों इसमें इंटीग्रेटेड है, और हम तीनों की मिली जुली इंटीग्रेटेड फॉर्म में ऐसी बातें करते हैं कि जिस संदर्भ में, जिस स्किल, जिस कॉम्पिटेंसी को हम बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं, वो कॉम्पिटेंसी बच्चे में आ पाए, जिसको कि हम आगे अभी इसके बारे में और बात करेंगे। तो सीधे से अगर मैं आपसे कहूँ या आप मुझसे पूछें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है, जस्ट इन कॉमन पैरलैंस यू कैन से दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ टाइप ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड कॉम्पिटेंसीज
which focuses on outcomes and the real world needs. यानी कि competency based learning या competency based education एक framework है कि हम बच्चों को क्लास में कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको असेसमेंट करें कि जो कॉम्पिटेंसीज हमने पूर्व में ही पहले ही निर्धारित कर ली है उनमें फोकस करते हुए उन कॉम्पिटेंसीज को हम बच्चे में डेवलप कर पाए, जिससे कि जो हम स्किल बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो डेवलप हो जाए, उससे रिलेटेड नॉलेज उसके पास हो और उसका एटीट्यूड उस स्किल को सहारा प्रदान कर रहा हो, सहायता प्रदान कर रहा हो, जिससे कि उस पर्टिकुलर स्किल में उसको सहायता मिल पाए। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज की, कि ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज आज कौन सी हैं, कौन सी बच्चों में कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए, किस तरीके की उसमें स्किल्स हों जिससे कि वो विश्व के संदर्भ में पूरे अपने कहना चाहिए कि ग्लोबल परस्पेक्टिव में हाउ स्टूडेंट इज गोइंग टू डू गुड। That is why we say that he should be trained or should have some understanding of the knowledge of global issues and intercultural issues. This is very important. What are the global issues? That is why we will talk about global skills. Kya hai ye global skills jo ki bacche ko pata hone chahiye? Intercultural issues. Even in our country, there are so many cultures, there are so many religions, there are so many languages. How we are going to transact all that to make a wholesome person, a student, a person who is somebody who can have a balanced approach to the cultural, intercultural relations, socio-economic development, their interdependence and environmental sustainability. ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। केवल अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो शायद हम विश्व के संदर्भ में बात नहीं कर पाएंगे, और यदि हमें विश्व में भी अग्रणी पंक्ति में रहना है, विश्व के स्टैंडर्ड से कॉम्पीट करना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड एट ग्लोबल लेवल। कितनी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस बच्चे में हमारे हो, उसको क्या करना है, हमें एज अ कंट्री क्या करना है, हमें एज अ सोसाइटी क्या करना है, तो ये बातें हमारी सब ग्लोबल पर्सपेक्टिव में होती हैं। Now coming to the competency based education. अब जो हमने इतनी बातें करी, हम कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी तीन चीजों का एक सेट है। तीन चीजों को जब हम मिलाकर एक साथ देख रहे हैं तो वो आपको कॉम्पिटेंसी बन जाती है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि नॉलेज है, उसके प्रति ज्ञान है जो कि कॉग्निटिव डोमेन में है, एटीट्यूड है जिसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, और स्किल्स होते हैं जो कि साइकोमोटर डोमेन में। तो अभी तक आपने देखा है कि हमारे एजुकेशन में नॉलेज तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो बात नहीं होती उसके प्रति एटीट्यूड नहीं है, या वो स्किल्स नहीं हम डेवलप कर पाते जिसके जरिए जब हम बाहर निकलते हैं स्कूल और कॉलेज से पढ़कर उसको हम रियल लाइफ सिचुएशंस में इम्प्लीमेंट कर पाए, उनका यूज कर पाए। और ये जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जो बिहेवियरल चेंज होता है, हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लर्निंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते तो हम ट्रेडिशनल सिस्टम में भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, क्योंकि हम हर जगह सीखते हैं, हर क्षण सीखते हैं, लेकिन हम शायद अनजाने में सीखते हैं, उसको स्ट्रैटेजिकली प्लान नहीं करते हम। लेकिन जब हम इस पॉलिसी स्ट्रैटेजी के तहत हम देखते हैं कि नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स का किस तरीके से संगम हो, कैसे हम इनको कंबाइन करें कि हमें एक डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी मिले, जिस कॉम्पिटेंसी को हम बच्चे में डेवलप करना चाह रहे हैं वो मिले, तो ये आपकी कॉम्पिटेंसी कहलाती है, स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। और आप बच्चे के व्यक्तित्व के द्वारा, उसकी एक्टिविटीज के द्वारा इनको देख सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्वेबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं, एंड दे आर परफॉर्म्ड, इसलिए हम इसको परफॉर्मेंस बेस्ड भी कहते हैं। दैट व्हाट डू यू मेजर द परफॉर्मेंस, परफॉर्म कैसा कर रहा है बच्चा, अलग अलग स्किल्स के लिए किस तरीके से बच्चे को कितनी स्किल्स का ज्ञान हुआ है, कितना वो इन स्किल्स को डेवलप कर पा रहा है, कितना उसमें, अगर हम बात करेंगे अभी स्किल्स की, ग्लोबल स्किल्स की, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट को समझना कि ये हमारा नॉलेज और एटीट्यूड और स्किल्स किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यदि हम बात करते हैं नर्सिंग की, ठीक है ना, नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल है, पहले हम देखते थे जितने भी प्रोफेशनल खासतौर से मेडिकल है या फिर इंजीनियरिंग है या नर्सिस की हम बात करें तो हम इनकॉम्पिटेंसीज की बात करते थे कि उनमें ये वाली स्पेशल कॉम्पिटेंसी होनी है तभी आप जो है नर्स बन पाएंगे या डॉक्टर बन पाएंगे या इंजीनियर बन पाएंगे। नर्सिस की जैसे हम बात करें कि भाई एक जो नर्स है उनके लिए क्या नॉलेज है कि जब कोई जैसे पेशेंट आ रहा है अचानक से इमरजेंसी में उनको एक पेशेंट को अटेंड करना है, किस तरीके की उसको उस वक्त नॉलेज चाहिए, वेदर शी इज एबल टू टेक द टेम्परेचर, वेदर शी कैन टेक द ब्लड प्रेशर और शी कैन गिव सजेस्ट द मेडिसिन और फर्स्ट एड रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, उसकी नॉलेज है उसको कौन सी दवाई देनी है, उसकी नॉलेज है उसको इमरजेंसी में ये वाली दिक्कत है तो कौन सा उसको इंजेक्शन देना है, उसका एटीट्यूड खास तौर से ना, ये एटीट्यूड जो मिसिंग है जिसकी बात हम बहुत कम करते हैं कि हम एटीट्यूडनल चेंजेस नहीं देखते बच्चे में, वो हमने वो कमी रह गई है, बहुत बड़ी कमी शिक्षक के बिहाफ में भी पॉलिसीज में भी कि हम इन इन एटीट्यूड पर हमने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। नर्स एक इसको जो कि एक वहां पर जिसके पास पेशेंट जा रहा है उसका एटीट्यूड कैसा है, कैसे वो हैंडल कर रही है, किस तरह से वो इंजेक्शन देती है, किस तरीके से मेडिसिन देती है, किस तरीके से इमोशनली डील कर रही है, किस तरीके से उसका बिहेवियर है, पेशेंट को स्ट्रेचर से बेड पे लेटाना, उसको उठाना, उसको पानी पिलाने से लेकर के उसका एटीट्यूड किस तरह का है। बहुत बार मैं और आप जानते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हर क्षेत्र में कि किस तरीके से हमारे एटीट्यूड से दिक्कत हो जाती है। यदि मैं अपना एग्जांपल लूंगी एज अ टीचर, हमारा क्या एटीट्यूड है, बच्चे की नॉलेज तो मेरे पास बहुत है, मैं बच्चे को बता सकती हूँ ये करो ये मत करो ये पढ़ो ये, इसका मतलब ये होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ये है, ये नॉलेज एटीट्यूड और स्किल्स का संगम है। लेकिन जब मैं अपने एटीट्यूड की बात कर रही हूँ कि मैं किस तरह से बच्चे को ये जानकारी को डिलीवर करती हूँ, क्या बच्चा मुझसे प्रश्न कर सकता है या घबरा जाता है बच्चा अपनी दिक्कत के साथ मेरे पास आ ही नहीं पाता, या मैं बोलती हूँ अरे बड़े बेवकूफ हो तुम कभी नहीं सीख पाओगे, तुम कभी ये सीख ही नहीं सकते, अरे क्या तुम गाते बजाते रहते हो, पढ़ोगे क्या। दिस इज द एटीट्यूड एंड दिस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट प्रोफेशन विच हैव डिफरेंट स्किल्स, यही स्किल्स। अब इन स्किल्स के लिए, डिफरेंट स्किल्स के लिए तीन तरह की स्किल्स की हम बात करते हैं खास तौर से, और ये तीन स्किल्स को हम 21st सेंचुरी स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बात आपकी लर्निंग स्किल्स है तीन तरीके की, दूसरी आपकी लिटरेसी स्किल्स है और तीसरी आपकी लाइफ स्किल्स है। लर्निंग स्किल्स की अगर हम बात करें और ये ग्लोबल मैं कहूँगी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं कि हमें अपनी क्लासरूम में इन स्किल्स को बच्चों तक कैसे पहुँचाना है कि हम उनको ऑब्जर्व कर पाए उनकी पर्सनालिटी में, उनको मेजर कर पाए जो कि हम असेसमेंट के थ्रू करते हैं आगे चल के, और उनके परफॉर्मेंस को देख पाए, उनके बिहेवियरल चेंज क्या हुआ पूरे बिहेवियर में, नॉलेज एटीट्यूड और स्किल उनने कितनी सीखी इन तीनों क्षेत्र में, उसके बारे में हम उनके बिहेवियर में देख पाए, उनकी उनके हाव भाव से, उनके चाल चलन से, उनके उठने बैठने से, उनके कार्य करने से, उनके परफॉर्मेंस से, यह हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कॉम्पिटेंसी पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी बच्चे के अंदर आ गई।